छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है किस तरह से छत्तीसगढ़ में सीधी व्यापम में एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सीधी व्यापम CGPSC के बाद सबसे बड़ा आपका हाईएस्ट पोस्ट आपको देखने को मिलता है सीधी व्यापम में। सीधी व्यापम में आपको RI का देखने को मिलेगा, पुलिस इंस्पेक्टर का, मंडी निरीक्षक का, पटवारी का, फसल वार्डन का, ग्रेड 3, ग्रेड 2 और डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है और ये सबसे अच्छा पोस्ट होता है। तो उन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, व्यापम की तैयारी के लिए आपको कौन कौन से बुक जो है पढ़ना होता है, क्योंकि पहले भी मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि आप जो एक पर्टिकुलर बुक से आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते और एक बुक पढ़ कर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम जब निकलता है तो उस टाइम जो बुक पब्लिश होते हैं उनसे एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। तो आपको कौन कौन से और कितने घंटे की आपको पढ़ाई करना जरूरी है और फिर जो है क्या है, तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि व्यापम के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन, कंप्यूटर एक परिचय, ये बुक आपको लेना है। हिंदी के लिए आपको दिल्ली एस अकेडमी का बुक लेना है। इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सिंह, दिशा पब्लिकेशन की लेना है। सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको विकास परक मासिक पत्रिका और अर्जुना का करंट अफेयर्स, तो दोनों आपको लेना है सीजी करंट अफेयर्स के लिए। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको और प्रतियोगिता दर्पण जो मैथिली मैथ रिलीज होता है वो आपको लेना है। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए आपको छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम प्रोफेसर का आपको लेना है, और सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटीजर ट्यूटोरियल का और ऑब्जेक्टिव के लाभ जो है प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है जो बहुत ही अच्छा होता है आपके एग्जाम के लिए। और दृष्टि IAS का आपको क्विज बुक लेना है, जिसमें आपका अभिज्ञान के लिए, सामाजिक के लिए और जीके के लिए भी हम जो है दृष्टि IAS भी ले सकते हैं क्विज के लिए, वो बहुत अच्छा होता है। तो इन बुक से आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बात करें रीजनिंग के लिए तो आपको रेहन का मास्टर रीजनिंग, गणित के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का लेना है, क्योंकि आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो इसके लिए आप जो है इन बुक को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी बुक से आप जो है एग्जाम की तैयारी जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और कोई भी चीज़ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।